हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी पर में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानकारी पर यूट्यूब चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इसका फॉर्म लेने के लिए आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे मिलेगा और आप लोगों को वो फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ एक बार बैंक में जाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और वहां से आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट खुलवाने के लिए आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों का पैन कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जनधन योजना वाला अकाउंट खोलने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों फॉर्म लेने के लिए आप लोगों को बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। उस फॉर्म का लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो सबसे पहला लिंक मिलेगा उसी पर आप लोग एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उस फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आप लोगों को वो फॉर्म अच्छी तरह से फिल कर लेना है। लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को फॉर्म फिल करना नहीं आता है। तो दोस्तों अब बता देते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से जनधन योजना वाला फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। वैसे तो ये पूरा फॉर्म हिंदी में है, आप लोग खुद ही चाहो तो भर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ मुख्य चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों को अवश्य ही भरनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपना वो फ़ोटो लगाना है जो आप लोगों का 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम, यानी कि आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देना है, शाखा का नाम लिख देना है, गांव, शहर, उपजिला, ब्लॉक का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को आधार कार्ड नंबर यहाँ पर ज़रूर डाल देना है, और आप लोगों को अपना टेलीफोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है और अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना व्यवसाय यानी कि आप कौन सा काम करते हैं वो डाल देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग और कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने स्थान का नाम और दिनांक डाल देनी है, और यहाँ पर नामांकन डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर कर देने हैं, और दाएँ या फिर बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नामांकिती का नाम डाल देना है, संबंध और आयु डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्थान का नाम और दिनांक डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करवा लेने हैं, और दाएँ या फिर बाएँ हाथ के अंगूठे के निशान भी आप लोग लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरह से इस फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप लोगों को बैंक की शाखा में सिर्फ एक बार जाना है, वहां पर आप लोगों को इस फॉर्म को जमा कर देना है, और वहीं पर आप लोगों की KYC भी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों फॉर्म जमा करने के लगभग 15 दिनों बाद आप लोगों का रुपए डेबिट कार्ड भी आप लोगों के पोस्ट ऑफिस के जरिए आप लोगों के घर तक आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है। इस दोस्तों फॉर्म को भरकर आप लोगों को ब्रांच में जमा कर देना है, और दोस्तों ब्रांच में जमा करने के बाद आप लोगों का आसानी से प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ एक बार ही बैंक में जाना पड़ेगा, और आप लोगों का रुपए डेबिट कार्ड जो कि जनधन योजना वाले अकाउंट में होता है वो भी आप लोगों के घर पर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के जरिए। इसमें लगभग 15 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या फिर सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उन सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।